प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार। जैसा कि आप जानती ही हैं, पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। एम्स में योग्य चिकित्सक पीड़ित का उपचार कर रहे हैं। देश में अभी तक अनेक कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में विदेश यात्रा से लौटे सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी है। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो विदेश यात्रा से लौटा है और उनके स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर दें। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरा राज्य के नागरिकों से आग्रह है, बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। लोगों को सावधानी और सुरक्षा के लिए मैंने स्वयं अपने सभी कार्यक्रम और समारोह रद्द कर दिए हैं। राज्य में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। मैं बार बार आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और उसका पूरा महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है और हमने इस वायरस से बचाव और उपचार की पूरी तैयारियां कर रखी है। आवश्यकता है तो बस आपके सहयोग की। हमने राज्य में कोरोना वायरस से बचाव और उपचार की सही जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन टीम बनाई है, जो आपको सतत रूप से सही सूचना देने का काम करेगी और भ्रामक खबरों के प्रचार को रोकेगी। मैं कोरोना उपचार के लिए लगातार काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों और चिकित्सीय स्टाफ का तहे दिल से आभारी हूँ। पूरा राज्य उनके समर्पण भाव की सराहना करता है। मैंने यह निर्णय लिया है कि कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर सहित सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर ज़्यादा संख्या में एकत्रित होने से रोकना है, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार का और एक दूसरे का भी सहयोग करेगी, ताकि हम इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकें। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।